आज हम डे आउटिंग करेंगे थोड़ा सा और पुणे के अंदर, और ये ऑफिस निकल रहे हैं और मैं डे आउटिंग पे निकल रहा हूँ, और शाम को अब हम अपनी अपडेट्स देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मजे से घूमो। शनिवार वाड़ा एक फ्रेंडशिप गार्डन है यहाँ पे, वहाँ पे आपको कपल्स दिख जाएंगे बहुत सारे। मैं उनको अकेला क्या डिस्टर्ब मत करूँगा, करना। मैं क्या अकेला क्या करूँगा फ्रेंडशिप गार्डन में। और कोई फिल्म सिटी है ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? फिल्म सिटी तो कुछ नहीं है अभी, हमको नहीं है तो आज तक ऑफर आया नहीं, तो क्या करें। वो मैं ढूंढ लूंगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कैसा रहता है आज का जर्नी। सो यस, आई हैव स्टार्टेड माई ट्रिप, और देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, मजा आएंगे एकदम। बने रहिए आप साथ। वी हैव डिसाइडेड कि यार कैब वेब से तो कहाँ घूमेंगे और कितना घूम लेंगे कैब से। एक तो भाई बजट फ्रेंडली घूमना है ना, दूसरा बढ़िया घूमना है, तो हमने सोचा हम लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और देखते हैं कैसा रहता है। आप वीडियो में साथ बने रहिए। ये मैं बस स्टैंड तक आ गया इसी चक्कर में, और ये नहीं मालूम ये बस कहाँ तक जाती है, तो देखते हैं गाइज। अब हम हाँ आधार कार्ड दे दूंगा। तो एक 40 का पास बनता है पुणे में, जिससे आप फिर पुणे में, दो कॉरपोरेशन है तो एक कॉरपोरेशन के अंदर आप पुणे के अंदर मतलब कहीं भी घूम सकते हैं बस के अंदर, लोकल ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो अब हम 40 वाला पास बनाएंगे, तो सर आप मेरा 40 वाला पास बना दो। ठीक, हम एक विंडो सीट पर बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं शनिवार वाड़ा, जो कि मेरे को अभी जानकारी मिली है कि वो इस बस का लास्ट स्टॉप है शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा जाके आपको शनिवार वाड़ा दिखाएंगे। गाइस अब भी ये बस थोड़ी बंद आ गई है और हमने अपना पास बना लिया है। ये देखो ऐसा है पास, और ये 40 रुपये में बना है, और इसके साथ अब मैं पुणे के अंदर कोई भी बस में बैठ सकता हूँ, और आज के दिन किसी भी बस में बैठ के मैं ट्रेवल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक है आज, लास्ट मिनट लग गए यहाँ तक आते आते, और यहाँ पे थोड़ी सी वॉक है लेफ्ट में, और उसके बाद हमारा ये शनिवार वाला आ जाएगा। बस की ट्रेवलिंग से थकान तो हो ही जाती है। तो ये यहाँ से फोर्ट का रास्ता है, हम एंट्री करेंगे थोड़ी सी देर। ये हम फोर्ट में एंटर कर रहे हैं, और लग तो अच्छा ही रहा है, देखो हिस्टोरिक प्लेस है। थोड़ी सी धूप है यहाँ पर, हमने ऑनलाइन टिकट के लिए अप्लाई कर दिया। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं अपना बैग लेके आया, और क्योंकि बैग में मैंने बॉटल रख रखी थी यार, प्यास व्यास लगती है तो पानी वानी पी लो मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टिकट है यहाँ पर, तो हमने ऑनलाइन टिकट करा लिया है, और अब हम एंट्री कर रहे हैं। अब तक हम एंट्री गेट्स पे ही हैं, और पता नहीं क्या टिकट वेरीफाई होने में दिक्कत आ रही है या क्या हो रहा है। हो गया, चलो ये हमने एंट्री ले ली है। शनिवार वाड़ा 19th सेंचुरी। देखिए यहाँ पर लिखा है फैमिली ट्रीज ऑफ पेशवा, तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव आया, ये बाजीराव, सवाई माधवराव, पढ़ लो यार आप सब। ये खुला सा मैदान है और उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, फाउंटेन से बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। छत्रपति शिवाजी कभी इस शनिवार वाड़ा में नहीं आए, उसका कारण है कि ये उनके पोते ने बनाया था, और यहाँ की कलाकृति यार, हमने जयपुर के महल देखे हैं तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत वो लग रहा हो, लेकिन अभी अंदर जाके देखते हैं। ये तो कुछ एक ऐसा एरिया था, लॉन टाइप था ये, तो आप मान लीजिए लॉन में तो मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं, बट हाँ यहाँ से एक अंदर जा रही है एक हल्की सी पतली सी सड़क, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर एंट्री लेते हैं और अब शायद कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। कुछ नहीं है, ये बगल से मेन रोड जा रहा है, इधर हल्की सी छत जैसी है, नीचे आए हो छोटे छोटे कमरे बने होंगे, बहुत बड़ा लॉन है, नहीं है सामने कपल्स हैं बढ़िया बढ़िया,
और लड़कियां शर्मा जाती हैं जैसे उनके सामने कैमरा ऑन किया जाता है। अ ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे यहाँ ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि जिसको मैं बताऊँ आपको, बट धूप बहुत है यार, हम छत ही छत पे घूम रहे हैं, पेड़ वेड़ हैं, नमस्तानी वस्तानी की कुछ कहानी है, बाजीराव की कुछ कहानी है, मूवी भी आई थी बाजीराव मस्तानी, बट हाँ वन टाइम विजिट वाली प्लेस तो है, एक बार तो ज़रूर देख सकते हैं। शनिवार वाड़ा की एक बहुत बढ़िया ये लगी मेरे को कि ओपन है, मतलब ऐसा कि लॉन वन बढ़िया है, छत ही छत है, बाकी तो ये साले सोते भी छत में ही होंगे। वो एक जगह दिखी मेरे को अभी, वहाँ जाके कुछ हो सकता है। और बाकी ये देखो, मैं कह रहा था ना लॉन है बहुत बड़ा, तो ये है वो लॉन। मैं पसीने पसीने में हो गया हूँ भाई। और दूसरी बात ये कि मैं इतने सालों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, पता नहीं कि शर्म के मारे नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, पर अब शुरू करी है तो मैं एक सूचना दे दूँ कि अब मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगा बेशर्मों की तरह, और जिसको पसंद आता है आएगा, जिसको नहीं आता है नहीं आएगा, जो देखेगा देखेगा, जो नहीं देखेगा नहीं देखेगा। ये मैं अपने लिए बनाऊँगा, मेरी लाइफ कैद करनी है मुझे, मेरी लाइफ में बहुत हसीन चीज़ें करी है मैंने जो कि कैद नहीं कर पाया, तो अब चाहता हूँ कि उनको कैद करूँ। ये वापस से एंट्रेंस आ गया है और जिसकी बात मैं कर, बहुत गर्मी है, हाँ ये वो एक कुछ जगह मिली है जिसमें कुछ बात की जा सकती है। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, नहीं एंशिएंट आर्किटेक्चर ही है। यहाँ से शनिवार वाड़ा पूरा दिख, जैसा कि मैंने बताया कोई मेजर आर्किटेक्चरल वर्क तो नहीं है, पर हाँ फेमस इसलिए है क्योंकि एक तो यार 17th century में बनाया है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होने का मतलब है कि प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते थे। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरा शनिवार वाड़ा एक नज़र में दिखता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, वहाँ शायद पता नहीं क्या क्या करते होंगे ये लोग। हाँ छोटे छोटे फाउंटेन्स बना रखे हैं, छोटे छोटे जगह बना रखी है, स्पॉट्स बना रखे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी है। तो ये सब यहाँ से चलते हैं, प्लेस देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और ठीक है शनिवार वाला ठीक है, स्टेयर से नीचे उतरते हैं, ये बुलंदी की सीढ़ियाँ हैं जिनको हम चढ़े थे। तो अगर अपनी पहचान खो दो बुलंदी पे तो सीढ़ियों से नीचे उतर जाना ही ठीक है, क्योंकि पहचान नहीं होनी चाहिए ना यार, किसी की परछाई बन के जिए तो क्या जिए। ये शनिवार वाड़ा ट्रिप बहुत बढ़िया रही, मज़ा आया एकदम शनिवार वाड़ा देखने में, शनिवार वाड़ा जैसा है एकदम मज़ेदार। और यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, और खूबसूरत लड़कियाँ हैं, अगर ना जोहरा ज़मीनों के दरमियाँ गुजरे तो फिर कैसे कटे ये ज़िंदगी, कहाँ गुजरे। Oh